नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम फुल्का रोटी बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फुल्का रोटी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम आटा गूंदने के लिए इसमें पानी डालेंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा पतला हो सकता है। ज़रूरत अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालें। ये देखिए, हमें इस तरह से आटे को अच्छे से गूंद लेना है। इस तरह से आटा गूंद जाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा 1 चम्मच तेल इस्तेमाल करेंगे और इसे फिर से अच्छे से गूंद लेंगे। तेल लगाने से आटा इस तरह से सॉफ्ट रहता है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम रोटी बनाएंगे। उसके लिए इस तरह से हम आटे का गोल बना लेंगे। सबसे पहले इसे आटा लगा लेना है, इसके बाद रोटी बेलना है। ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम और रोटी बना लेंगे। रोटी को इस तरह से घुमा लेना है और हमें हमेशा इसके साइड से बेलना है ताकि कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना रहे। हमारी रोटी बनके तैयार है। अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। हमारा पैन गरम हो गया है, अब हम इसे तेज आंच पे सेकेंगे। इस तरह से रोटी नीचे से सिकने लगेगी, तब हमें उसे पलटना है और इस तरफ से ही सेकना है। इसे हम चेक करते रहना है कि रोटी पक रही है या नहीं। इसके बाद हम आंच कम कर देंगे। और इसे डायरेक्ट फ्लेम पर रखना है। ये देखिए, हमारी रोटी फूल रही है। इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियां सेक लेंगे। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।